दोस्तों मैंने अपने चैनल पे दो हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी जिनमें इन एंटीनास के बारे में बात करी थी। बेसिकली अपने घर पे इस तरीके के एंटीना को इंस्टॉल करके अपने इंडोर की कवरेज को कैसे बढ़ा सकते हो एक राउटर की मदद से, उस बारे में बात करी थी। लेकिन वो वीडियो पोस्ट होने के बाद थोड़ा सा लोचा ये हो गया कि जब वो वीडियो पोस्ट हुई बहुत सारे लोगों तक पहुंची, इस चीज़ की खुशी है मुझे, लेकिन उस पर जो कमेंट्स आए वो थोड़े से दिल दहलाने वाले थे। मतलब एक जने ने कमेंट किया कि इलीगल है, उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, दस नहीं, कम से कम 30-40 कमेंट्स इस तरीके के आए कि भैया ये इलीगल है। बकायदा आर्टिकल्स के लिंक्स वहां पे मेंशन किए हुए थे, साथ में बहुत सारी प्रेजेस भी थी कि भैया आपके चैनल पे कंटेंट बहुत अच्छा आता है और आप इस तरीके की इलीगल चीजें मत डाला करो। मुझे इस चीज के लिए बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया अपनी तरफ से कि यार ये चैनल हमको पसंद है और इसमें हम वाकई वैल्यूएबल फीडबैक दें, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो मेरा फर्ज बनता था कि भाई मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मुझे कोई इलीगल चीजें प्रमोट करनी है यहाँ पे। मेरा फर्ज बनता था कि उसके बाद अगर मेरी कोई गलती है तो मैं आपको आके यहाँ पे बताऊं, या फिर कोई समझने करने में भूल है तो उसको भी एड्रेस करूं। तो मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा मैंने डिगिंग करने की कोशिश करी कि भाई क्या चीज इलीगल है, आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है और वाकई इन एंटीनास का सीन क्या है, क्या ये इंडिया में इलीगल है, क्या लीगल है, इसकी क्या गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, सारी चीज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कास्टिक्स हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने उन आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करा जो कमेंट्स के अंदर आए थे, तो मैंने जब देखा तो वाकई बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से पब्लिश थे, तो जो वाकई वैल्यू रखते हैं। लेकिन उन सारे आर्टिकल्स को मैंने जब कंपाइल करके देखा तो जो सबसे कॉमन चीज़ निकल के आई सारे ही आर्टिकल्स के अंदर, वो ये निकल के आई कि जो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वी हो गया, इन सारे ऑपरेटर्स ने गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप इन सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि सिग्नल बूस्टर, इनके ऊपर रोक लगवाई जाए, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे खुलेआम बिक रहे हैं, इन पे बैन लगवाया जाए और इन सारे सेलर्स को भी पनिशमेंट दी जाए या जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उनको भी करी जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सिग्नल बूस्टर, मैंने तो एंटीना के ऊपर वीडियो बनाई थी। टर्न्स आउट कि यही सारा कन्फ्यूजन था। मैंने जब उसके बाद सर्च करना शुरू किया, इस चीज़ के लिए मुझे भी वहाँ पे कन्फ्यूजन थी, जब मैंने सर्च किया कि सिग्नल बूस्टर और एक एंटीना में क्या फ़र्क होता है, तो टर्न्स आउट कि सिग्नल बूस्टर एक ये वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, बेसिकली एक इनपुट का पोर्ट होता है, एक आउटपुट का पोर्ट होता है, एक तरफ से सिग्नल्स आते हैं, उस डिवाइस के अंदर एम्पलीफायर लगा होता है जिससे सारे सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं, उसके बाद एक आउटपुट का पोर्ट होता है जिससे आप अपने राउटर में कनेक्ट करके अपने रेंज को या फिर उस स्पेक्ट्रम को यूज करते हो। बेसिकली उन आर्टिकल्स में ये भी लिखा हुआ था कि ये इसीलिए बैंड है क्योंकि ये डिवाइसेस उन स्पेक्ट्रम को यूज कर रहे हैं जो कि जिसके लिए इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। उसके लिए मैंने और वीडियोस को सर्च करा और एक ऐसी वीडियो पे आया जो काफी सही लगी मुझे। इन जनाब ने जनाब इसलिए बोला क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं और मेरी इनसे बात भी हुई इस रिगार्डिंग, क्योंकि इनका कंटेंट काफी सही था इस वाली सेम कैटेगरी में। तो इनका भी रिप्लाई मेरे पास यही आया कि भाई एंटीना में कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल बूस्टर की है जो भी दिक्कत है। इसको डबल वेरीफाई करने के लिए जिस चैनल के साथ मैंने वो वीडियो बनाया था, नामधारी इन्फोटेक, उनसे मेरी बात हुई, जगतार भैया से, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया क्या सीन है, आप मुझे बिल्कुल खुल के बताओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर कोई गलत काम हमसे जाने अनजाने में हुआ भी है तो। तो उनका ये कहना था कि भाई उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये कहना है कि सर्टिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट तब देता है जब किसी डिवाइस के अंदर कोई चिप लगी होती है। अब इन डिवाइसेस के अंदर कोई चिप ही नहीं है तो इनके ऊपर क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी कि ये कौन सा बैंड यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में से बाहर है। तो मैंने सोचा कि कोई चिप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने कहा इसका करना पड़ेगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब मैंने इस एंटीना की वेदर प्रूफ सीलिंग खोल दी और इसको खोल के देखा कि इसके अंदर क्या है ऐसा जो सिग्नल बूस्ट कर रहा है बेसिकली, और इतना सारा झमेला इस चीज़ को लेके चल रहा है। तो मैंने जब यहाँ पे सीलिंग इसकी खोल दी, टर्न्स आउट कि सिर्फ एक नॉर्मल एल्यूमिनियम का एंटेना है इसके अंदर जो कि हम अपने घरों पे फ्री डिश लगाने के लिए, फ्री डिश देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना लीगल है या फिर इलीगल है, इस चीज़ की मुझे कोई वैलिड सोर्स नहीं मिली अभी तक इंटरनेट पे। तो यहाँ पे जो पूरा कन्फ्यूजन है वो ये है कि ये डिवाइस एक एंटेना है ना कि एक सिग्नल बूस्टर है बेसिकली। अब एज अ मुझे ले लो शॉपकीपर, अगर मुझे ये मैं प्रोडक्ट में डील करता हूँ और मुझे ये बेचना है तो मैं अमेज़ॉन पे क्या क्या लिखूँगा,
बूस्ट सिग्नल, अपना आपका सिग्नल बूस्ट कर देगा और आपकी रेंज बढ़ा देगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा, जिसको इनडायरेक्टली बार बार सिग्नल बूस्टर का कीवर्ड यूज़ किया जाता है इस चीज़ को बेचने के लिए। लेकिन एक्चुअल में सिग्नल बूस्टर नाम की एक ऑल टुगेदर दूसरी डिवाइस है जो इसके साथ पेयरिंग में भी काम करती है। अगर आप सिग्नल बूस्टर यूज़ कर रहे हो वो घर के अंदर लगाओगे तो ऐसी ही एक एंटेना वाली डिवाइस आपको अपनी छत पे लगानी पड़ेगी। हाँ, इन डिवाइसेस के बारे में एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन ज़रूर है कि आप इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो अपनी टेरेस पे, 5 फीट से ज़्यादा की हाइट आप नहीं दे सकते हो। मोर ओवर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट की बात की गई थी सारे के सारे आर्टिकल्स में, तो वो ये लिखा हुआ था कि इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1933 के हिसाब से ही टेलीग्राफी अपैरेटस रखना किसी को भी इलीगल है। अब 1933 से आज 2021 हो गई, यानी क्लोज टू 88 ईयर्स। अगर 88 साल पुराने लॉ को अगर आप फॉलो करोगे तो 88 ईयर्स में टेक्नोलॉजी कहां से कहां आ गई है। ऐसी ब्लेजिंग फास्ट स्पीड पर टेक्नोलॉजी आजकल हर साल इंप्रूव हो रही है। तो यहां पे दिक्कत क्या है, ना मैं किसी मीडिया हाउस को दोष दे रहा हूं, ना मैं किसी टेलको को दोष दे रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से क्यों बैन कर रहे हो, ना मैं गवर्नमेंट को दोष दे रहा हूं कि भाई क्यों बैन की हुई है ये सारी चीज़ें। मैं यहां पे दोष देना चाहूंगा इस कन्फ्यूजन के क्लाउड को जो बना हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कौन से इक्विपमेंट्स लीगल हैं, कौन से इलीगल हैं, जिससे कि वाकई जो जनता परेशान है, सारे अपने घरों में सिग्नल्स नहीं आते हैं जबकि वो पूरा पूरा पे कर रहे हैं अपने पैक्स को लेकर, रिचार्जेस को लेकर, पूरा पैसा देने के बाद भी टेलकोज का वहां पे मौजूद होने के बावजूद भी वहां पे कनेक्शन की रेंज नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने सोचा कि इस तरीके की एक वीडियो बना के आपको बताई जाए कि भाई ये पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है। मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड सोर्स हो इन्फॉर्मेशन का तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे बाकी की सारी कम्युनिटी जो ये वीडियो देख रही है उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता चल पाए कि एंटीनास का क्या सीन है, सिग्नल बूस्टर का क्या सीन है। हाँ, सिग्नल बूस्टर क्लियरली मेंशनड है सारे हमारे गवर्नमेंट के पुराने रिकॉर्ड्स के अंदर कि सिग्नल बूस्टर आप नहीं यूज़ कर सकते हो। वेयर एज बाकी कंट्रीज़ का क्या सीन है कि अमेरिका और यूरोप वाली साइड पे अगर आप देखोगे वहाँ पे प्योरली लीगल है। वहाँ पे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स ने क्या किया है कि उन सिग्नल बूस्टर्स को टेस्टिंग करिए और लाइसेंसिंग दिए सारे प्रोवाइडर्स को कि आप लोग इसको ईजिली बेच सकते हो। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिग्नल बूस्टर जब आप यूज़ करते हो तो आपके पड़ोसियों के सिग्नल्स थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि अंदर उसके एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफाई की वजह से आसपास के सिग्नल की इंटरफेरेंस होती है। उस चीज़ को कंट्रोल किया बाहर बाकी की दूसरी गवर्नमेंट्स ने, उसको मैनेज किया कि भाई कितना ठीक है, कितने से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और फिर उसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया सारी मार्केट्स के अंदर। यहाँ पे भी कोई प्रॉपर बैन नहीं है। अगर आप देखो कि बैन क्या होता है, वेपन्स इस तरीके से बैन होते हैं, ड्रग्स बैन होते हैं, इलीगल आइटम्स, वो इस तरीके कोई आइटम हमको कभी इंटरनेट पे नहीं देखते हैं कि यूजुअली बहुत इजीली बिक रहे हों ये। लेकिन सिग्नल बूस्टर के केस में अगर आप देखो तो कम से कम 20 वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, आप नॉर्मली सारे फ़ोन नंबर्स खुले हुए हैं, एड्रेसेस खुले हुए हैं, ईमेल खुले हुए हैं, इंडिया मार्ट पे आप लिख दो आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे भाई सिग्नल बूस्टर ले लो। तो कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके कि भाई कौन कौन से अपैरेटसेस गवर्नमेंट की निगाह में इलीगल हैं या ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे और रिलेटेड पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने इन एंटीनास के गिव अवे के बारे में बात करी थी, तो गिव अवे तो चल रहा है, ये उसकी कि आप सेकंड वीडियो ट्रीट कर लो, नीचे कमेंट कर दो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो, और विद इन अ वीक ये गिव अवे कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मेरा नाम है चंदन, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या।